Redmi Note 10 Pro। हाँ गाइज, आप लोगों को पता है यहाँ पे Redmi की तरफ से Redmi Note 10 Pro आने वाला है। और गाइज यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया फ़ोन होने वाला है। और इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं इसी नए स्मार्टफोन के बारे में जो Redmi बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। तो इस वीडियो पूरा देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Redmi की तरफ से जो नया स्मार्टफोन है Redmi Note 10 Pro, इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन हमें देखने मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो इस बार बिल्ड और डिजाइन है वो बहुत ज्यादा, इस बार बहुत ही बढ़िया डिजाइन देखने मिल जाने वाला है शाओमी की तरफ से। इस बार रेडमी जो है वो बहुत ही बढ़िया डिजाइन आपको यहाँ पे देने वाला है। आई थिंक इस बार जो है वो हो सकता है ग्लास बॉडी भी मिल जाए, बट अभी देखते हैं। बट डिजाइन इस बार आपको जो वो बहुत ही अच्छा देखने मिल जाने वाला है। डिस्प्ले पर बात कर ली जाए, यहाँ पे हमें 6.7 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। सुपर एमोलेड नहीं होगा, एक एमोलेड डिस्प्ले होगा 6.7 इंच का। और यहाँ पे आपको साइड में पंच होल दी जाएगी और 120 रिफ्रेशिंग रेट भी होगी। तो आप बोल सकते हैं डिस्प्ले वाइज ही फ़ोन जो वो बहुत अच्छा होने वाला है। और मतलब डिस्प्ले में यहाँ पे आपको कहीं कमी देखने नहीं मिलने वाली है। तो डिस्प्ले इस फोन का बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। गाइज वहीं पे आप बात कर लीजिए चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पे गाइज आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 750G, जो एक बहुत पावरफुल चिपसेट है। और यहाँ पे आपको ये चिपसेट जो मिल जाता है यार, मतलब 5G चिपसेट है, मतलब ये फ़ोन जो है वो 5G होने वाला है। तो ये आप लोग यहाँ पे सबसे अच्छी खुश अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये फ़ोन का जो चिपसेट है वो बहुत पावरफुल चिपसेट है। एंड आप कह सकते हैं कि इस फ़ोन का डिस्प्ले, डिज़ाइन और प्रोसेसर जितना भी हमने बात करी है वो तीनों में फ़ोन आगे है। आपको पता ही है ये जो सीरीज़ है ना, ये पूरी ऑलराउंडर सीरीज रहती है, मतलब हर जगह पे ये फ़ोन एकदम सही काम करता है। चलिए इस कैमराज के बारे में बात कर ली जाए, तो यहाँ पे हमें क्वाड कैमराज नहीं, 5 कैमरा का सेटअप मिलने वाला है। हाँ गाइज, तो यहाँ पे हमें 108 मेगापिक्सल का जो है वो कैमरा मिलेगा रियर में, और ये कन्फर्म भी हो चुका है। तो 108 मेगापिक्सल का रियर में हमें मेन कैमरा होगा। देन आपको अल्ट्रा वाइड भी मिलेगा, डेप्थ सेंसर भी मिलेगा, माइक्रो लेंस भी मिलेगा। तो यार कैमरा की जो है ना लाइन लगी हुई है, मतलब 5 कैमराज हमें इस फोन के अंदर देखने मिल जाने वाले हैं। सेल्फी कैमरा बात कर ली जाए तो साइड पंच होल के साथ आपको 44 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जो यार एक और एक्साइटिंग बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, बिकॉज कैमराज में इस फोन में बहुत ज़्यादा कुछ है यार। 108 मेगापिक्सल का रियर मेन कैमरा है, देन सेल्फी में आपको 44 मेगापिक्सल की सेल्फी दी जा रही है। तो कैमराज भाई यहाँ पे बहुत आपको फोन अच्छा देखने मिल जाने वाला है। वहीं बात करते हैं बैटरी के बारे में गाइस, तो हमें यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी भी मिलने वाला है। और यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, 125 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। ये बात सच है कि नहीं अभी मुझे नहीं पता, बट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट यार ये लीक जो है वो मुझे नहीं पता हो सच होती है कि नहीं, बट यार सही में 125 का फास्ट चार्जिंग, मतलब हमने 65 देखा था, अब उसका डबल देखेंगे हम। मतलब कितनी जल्दी आपका फ़ोन जो है वो चार्ज हो जाएगा मुझे नहीं पता गाइस, अब क्या ज़माना आने वाला है भाई। मतलब लाइक कुछ दिन बाद में लगता है कि बस फ़ोन लगाया और चार्ज हो गया, कैसा होगा अब मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो भाई डेफिनेटली बैटरी बहुत बढ़िया है और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ दिया गया है। यू अगर बात करता हूँ एंड्रॉयड 11 की शर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, और यहाँ आपको MIUI मिल जाएगा देखने। एंड गाइस ये है पूरा रेडमी का नोट 10 प्रो जो आएगा अक्टूबर के एंड में या तो नवंबर के स्टार्टिंग में डेफिनेटली मिल जाने वाला है। और मुझे कमेंट बताइए कि आप लोगों को इस फोन के बारे में क्या लगता है, बिकॉज यार मेरी जो थॉट्स है इस फोन के रिगार्डिंग वो बहुत अच्छे हैं। बिकॉज आई थिंक इस प्राइस के हिसाब से, आप प्राइस के बारे में बात कर लीजिए, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में, लॉन्च डेट तो बताई दी, प्राइस के बारे में ये 20-22 हज़ार रुपये के बीच में होगा। बेस वेरिएंट जो होगा 20-22 हज़ार रुपये को, आई थिंक 20-22 हज़ार रुपये में इतना कुछ मिल रहा है। डेफिनेटली और सारे स्मार्टफोन्स को जो रियलमी 7 प्रो, रियलमी X3, ये सब जो स्मार्टफोन इस प्राइस में आते हैं, आई थिंक डेफिनेटली ये जो है वो कम्पीट करने बहुत ही अच्छा आने वाला है फ़ोन। जो डेफिनेटली रेडमी बहुत बढ़िया काम करके लाए ये फ़ोन को, बहुत अच्छा आने वाला है, मतलब आया लाया नहीं है, लाने वाला है। तो डेफिनेटली आप लोगों को मैंने बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है इस फ़ोन के रिगार्डिंग। मुझे तो लगता है कि जब ये फ़ोन आएगा तो ये दोनों फ़ोन जो है ना भाई साइड में कर दो, और इसी फ़ोन को डेफिनेटली आप लोग बाय करना। और यहाँ पे रेडमी का नोट 10 प्रो के बारे में और बात करते हैं, तो ये 108 मेगापिक्सल कैमरा भी दे दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं प्लस पॉइंट है इस फोन को लेके, आप लोग इस फोन को बाय कर सकते हैं। तो बस गाइस इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करो और कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी जरूर से कर लो चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है तो। और ये था पूरा रेडमी का नोट 10 प्रो, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।